तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करने की। जो कि इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसकी मदद से इंस्टेंट आप लोग अपने अमेजोन पे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपको भी रिक्वायरमेंट है, आपने भी कैसे अमेजोन का गिफ्ट कार्ड बाय करा या फिर आपको अमेजोन पे कैशबैक रिसीव हुआ और आप उसको बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में गाइस मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से उस एप्लीकेशन का यूज करके इंस्टेंट अपने अमेजोन पे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आप वाकई में अमेजोन पे बैलेंस को इंस्टेंट अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो, तो भाई वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल पर हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन और किस प्रकार से उस एप्लीकेशन की मदद से इंस्टेंट आप लोग अपने अमेजोन गिफ्ट कार्ड या फिर कैशबैक बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन की हम बात करने वाले हैं उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जो कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली एप्लीकेशन को ओपन वगैरह करके एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। हमने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है और अकाउंट भी क्रिएट कर रखा है, तो मैं सिंपली एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। ठीक है, चलिए मैं फटाफट से यहां पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं और आप लोगों को बताता हूं कंप्लीट प्रोसेस कि किस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूज करके आप इंस्टेंट एक मिनट के अंदर अपने अमेजोन पे बैलेंस को पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। देखो, आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज करके अपने अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड या फिर कैशबैक अमाउंट को पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद पेटीएम वॉलेट से आप उस अमाउंट को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सारा लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अमेजोन का गिफ्ट कार्ड पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर करोगे और उसके बाद पेटीएम से उस अमाउंट को किस प्रकार से आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो, जैसे आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करोगे, अकाउंट क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आने वाला। जो कि गाइस इस एप्लीकेशन पे आपको मल्टीपल टाइप के जो है गिफ्ट कार्ड मिल जाते हैं, लेकिन आपको किसी भी कंपनी का गिफ्ट कार्ड नहीं बाय करना। आप जैसे एप्लीकेशन को ओपन करोगे उसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। जो कि यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे ऊपर देख सकते हो एक सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना। सर्च बार में क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सर्च करना है पेटीएम। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने पेटीएम सर्च करना है, कोई और प्रोडक्ट सर्च नहीं करना है। आप जैसे पेटीएम सर्च करोगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो पेटीएम प्रोडक्ट लिख के आएगा, तो आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना। जो कि इसके बाद किस आपके सामने पेटीएम के सभी वाउचर आ जाएंगे, जो कि हो सकता है कि इस पेज की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो अलाउड ना हो, लेकिन साइड में मैं स्क्रीन शॉट लगा दूंगा, तो आप लोग साइड पे देख सकते हो कि आप लोगों के सामने इस प्रकार का ऑप्शन आने वाला। अब यहाँ पे कैसे आप जो है मिनिमम 20 रुपए से लेके मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का पेटीएम का गिफ्ट कार्ड बाय कर सकते हो, उसको पेटीएम पे ऐड कर सकते हो, उसके बाद आप उस गिफ्ट कार्ड को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, जो कि यहाँ पे गिफ्ट कार्ड बाय करने से पहले गाइस इसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है, जो कि आपने नीचे स्क्रॉल करना है। और यहाँ पे बताया गया है कि 5% की प्रोसेसिंग फीस आपको देना होगा, यानी कि आप यहाँ से पेटीएम का गिफ्ट कार्ड बाय करते हो तो इसके लिए आपको 5% की प्रोसेसिंग फीस देना होगा। आपका जो गिफ्ट कार्ड है वो 1 साल के लिए वैलिड है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे बताया गया है कि जो सिंगल यूजर है वो 3 गिफ्ट कार्ड बाय कर सकता है, उसको पेटीएम पे ऐड कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप एक दिन में 3 गिफ्ट कार्ड बाय करके उसको पेटीएम पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा गिफ्ट कार्ड बाय करने तो आप जो है अगले दिन गिफ्ट कार्ड बाय करके उसको अपने पेटीएम वॉलेट में ऐड करके बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अमाउंट आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। वैसे तो स्क्रीन आपको ना दिख रही हो, लेकिन साइड में मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, वो आप लोग देख सकते हो। तो यहां पे देखो कि अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं यहां पे जो है अपने अकॉर्डिंग एक अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे सिंपली 30 रुपए सेलेक्ट करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, जितना भी अमाउंट आपको ट्रांसफर करना। देखो, अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद किसी यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड गिफ्ट का, तो आपने सिंपली सेंड गिफ्ट पे क्लिक कर देना है। देखो, सेंड गिफ्ट पे क्लिक करने के बाद किसी आपके सामने यहां पे टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहां पे आप कोई सा भी जो है सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपली आपने उस पे क्लिक कर देना, उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना। अब इसके बाद किस आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि यहां पे सेंडर का नाम मांगा जाएगा। ठीक है, जिसमें कि आप अपना नाम एंटर करेंगे। इसके अलावा यहां पे रिसीवर का नाम एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें भी आप अपने ही नाम एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है चूट डिलीवरी मोड। ठीक है, जिसमें कि आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, SMS, ईमेल और यहां पे SMS एट ईमेल, दोनों का ही ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों ही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ईमेल आने में कभी कभी लेट हो जाता है। सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो हो सकता है कि SMS को आने में थोड़ा सा समय लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है ये दोनों ही वाला ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं जो है अपना फटाफट से नाम वगैरह एंटर कर लेता हूँ। आप जो है यहाँ पे नाम एंटर कर सकते हो, दोनों जगह अपना एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने जो है मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे जस्ट आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है, ऑटोमेटिक नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका जो है गिफ्ट कार्ड अमाउंट वगैरह बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ सेंड गिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट ऑप्शन
ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका जो है टोटल गिफ्ट कार्ड अमाउंट बताया जाएगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस बताई जाएगी, यहाँ पे क्वांटिटी बताई जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितनी पेमेंट करना है वो आपको बताया जाएगा। अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो आप उसका यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जिसपे कि आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, सिंपली इसको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देख सकते हो कि आपको पेमेंट के लिए कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि गूगल पे हो गया, पेटीएम यूपीआई हो गया, डेबिट कार्ड वगैरह हो गया, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह हो गया, और यहाँ पे आपको अमेजोन पे का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा इस पे फोन पे और मूवी क्विक का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना भैया कि अमेजोन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे टिक करना है, ठीक है। अमेजोन को टिक करने के बाद यहाँ पे का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली पे पे क्लिक कर देना। अब आप जैसे पे पे क्लिक करोगे उसके बाद आपने जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोबारा से अमेजोन पे का ऑप्शन आ चुका, तो अभी हम जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देखो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जस्ट वेट करना है। अब यहाँ पे इसके बाद आपके सामने अमेजोन अकाउंट को लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, जो कि मैंने पहले इस एप्लीकेशन में एक बार ट्रांजेक्शन करके देख लिया कि एप्लीकेशन वर्क करता है, कितना समय लगता है गिफ्ट कार्ड रिसीव होने, इसके कारण मैंने अपने अमेजोन अकाउंट लॉगिन किया था। तो मेरा अमेजोन अकाउंट यहाँ पे पहले से लॉगिन आ रहा है, ठीक है, तो मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो आपको अपने अमेजोन अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर ओटीपी के थ्रू अपने अमेजोन अकाउंट को लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके वॉलेट में जितना भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपके वॉलेट में इतना अमाउंट है, और आप जितने का भी ऑर्डर लगा रहे हो वो ऑर्डर यहाँ पे चार्जेस वगैरह मिला के सब बता दिया जाएगा कि आप इतने का ऑर्डर लगा रहे हो, ठीक है। तो अभी देखो कि यहाँ पे अमेजोन पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, अमेजोन पे बैलेंस ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट रहने वाला है, जो कि नीचे देख सकते हो पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। चलिए अभी हम जो है सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी ये रिडायरेक्ट करेगा हमें एप्लीकेशन के ऊपर, तो हमें बैक बटन वगैरह यहाँ पे प्रेस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे अपने को थोड़ा सा वेट करना है और ये देख सकते हो कि हमें इसने बैक कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो ट्रांजेक्शन वगैरह है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मेल आईडी वगैरह बताई जा रही है, इसको हम पूरा बैक करेंगे, ठीक है। अब पूरा बैक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक मेल आ चुका है, जो कि जो गिफ्ट कार्ड हमने बाय करा वो इंस्टेंट हमारे मेल आईडी पे जो है डिलीवरी हो चुका है, मेल पे भी आ चुका है और हमारे पास एसएमएस भी आ चुका है जिसमें हमारा जो गिफ्ट कोड है वो रिसीव हो चुका है। चलिए हम मेल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आप सिंपली मेल को ओपन करेंगे, जो भी ईमेल आईडी आप वहाँ पे एंटर करेंगे उसी ईमेल आईडी पे इंस्टेंट एक मिनट के अंदर आपका जो गिफ्ट कार्ड है वो आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो गिफ्ट कार्ड है वो मुझे रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, जो गिफ्ट कार्ड कोड है यहाँ पे देख सकते हो कार्ड नंबर का एक ऑप्शन आ रहा है, आप सिंपली इस पे क्लिक करके अपना जो है कार्ड नंबर यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बाद अपने को क्या करना है, पेटीएम पे चलना है। चलिए यहाँ से हम जो है पेटीएम को ओपन करेंगे, ठीक है। पेटीएम पे हमें इस गिफ्ट कार्ड को ऐड करना है, उसके बाद इस गिफ्ट कार्ड बैलेंस को हमें अपने बैंक में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे मैंने जो है पेटीएम को ओपन करा, इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है पेटीएम वॉलेट का। आपके पास दूसरे टाइप से ऑप्शन आ सकता है, ऐड मनी का ऑप्शन आ सकता है, तो वो आप चेक कर लेंगे। मैं सिंपली पेटीएम वॉलेट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। पेटीएम वॉलेट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास तो ऐड मनी वाला ऑप्शन ओपन हुआ, तो आपने ऐड मनी वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आपने उतना अमाउंट एंटर कर देना है जितने का भी आपने गिफ्ट कार्ड बाय करा हो, यानी कि जितने की भी आपको ऐड मनी करना है, जितने का भी आपने गिफ्ट कार्ड बाय करा वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद बगल में गाइस आपको अप्लाई प्रोमो कोड का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जो कि हो सकता है कि यहाँ की भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको ना दिख रही हो, क्योंकि इसकी भी कई जगह की स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, जो कि आप जैसे अप्लाई प्रोमो पे क्लिक करेंगे उसके बाद गाइस यहाँ पे आपके सामने जो है कोड एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी क्या करना है कि हमने जो भी कोड को कॉपी करा था उस कोड को यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। कोड को पेस्ट करने के बाद गाइस नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑफर का, तो आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद गाइस आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। प्रोसीड टू ऐड का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना। आपका जैसे कोड अप्लाई हो जाता है उसके बाद प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपकी जो ऐड मनी है वो यहाँ पे इंस्टेंट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपका जो गिफ्ट कार्ड है वो इंस्टेंट के इंस्टेंट पेटीएम वॉलेट पे ऐड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसिंग चल रहा है, तो अभी जस्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। तो अभी हमारे पास फिलहाल इस प्रकार का ऑप्शन आ चुका है जहाँ पे हमारी ऐड मनी जो है वो पेंडिंग हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा देर पेंडिंग नहीं रहने वाली है, 20 से 30 सेकंड के अंदर हमारी जो ऐड मनी हो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे अप टू 4 आवर्स बताया जाता है, लेकिन इतना समय नहीं लगता, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपकी जो ऐड मनी हो कंप्लीट हो जाती है, चलिए अभी हम यहाँ से बैक करेंगे, ठीक है। वैसे अभी मेरी जो ऐड मनी हो कंप्लीट हुई नहीं है, मैं यहाँ से इसको पूरा बैक कर लेता हूँ। तो मेरी जो ऐड मनी हो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, ऊपर देख सकते हो नोटिफिकेशन भी आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो कैशबैक रिसीव फ्रॉम बी पे करके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इसको बैक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैलेंस एंड हिस्ट्री का, ठीक है। तो आपने सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है पेटीएम वॉलेट बैलेंस का ऑप्शन आएगा, तो आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे जो 30 रुपए का गिफ्ट कार्ड है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसके बाद आपने सिंपली जो है बैलेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो है अमाउंट बताया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा
जो है सेंड मनी फ्रॉम वॉलेट टू बैंक, ठीक है। तो आपने इस अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा जो कि यहाँ पे अमाउंट एंटर करना होगा। तो आप अमाउंट एंटर करेंगे, ठीक है, जितना भी आपने ऐड मनी करा होगा वो अमाउंट एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी सभी बैंक डिटेल आ जाएंगे अगर आपने पहले से ऐड कर रखा होगा। अदरवाइज यहाँ पे देख सकते हो ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट डिटेल ऐड कर लेंगे। तो मेरी अकाउंट डिटेल पहले से ही ऐड है, मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट बताया जाएगा, चार्जेस वगैरह यहाँ पे जीरो बताए जाएंगे, ठीक है, और टोटल पेएबल अमाउंट यहाँ पे बताया जाएगा। तो उसके बाद आपने को कुछ नहीं करना, प्रोसीड पे क्लिक कर देना। अब आप जैसे प्रोसीड पे क्लिक करते हो उसके बाद इंस्टेंट एक मिनट के अंदर आपका ये अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सक्सेसफुली अमाउंट मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया। तो फिर आप गाइस अगर आप लोगों को अमेजोन गिफ्ट का, अमेजोन कैश बैक वगैरह अपने बैंक में ट्रांसफर करना है तो इस एप्लीकेशन को यूज करो। जो कि यहाँ पे गाइस मैंने आप लोगों को लाइव ट्रांजेक्शन वगैरह करके दिखा दिया, लाइव विद प्रूफ के साथ बता दिया कि किस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन का यूज करके अमेजोन का गिफ्ट कार्ड, अमेजोन का कैश बैक बैलेंस या फिर आपने ऐड मनी करा तो उस अमाउंट को भी यहाँ से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। जो कि एक मिनट का ये सारा प्रोसेस है, आप एक मिनट के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और एक मिनट के अंदर आपका जो भी अमाउंट, जितना भी अमाउंट अमेजोन वॉलेट में फंसा होता है उसको अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को थोड़ी बहुत ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस थोड़ी बहुत ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।